हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आप सबको, मेरा वेलकम। तो सुनो अभी, तो जो TYBF का है फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA6 बोलते हैं उसको, ठीक है, जो बैंक वाला सम है ना, तो वो वाले को FA6 में। तो ये बच्चा कैसा, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, एक एक सम का भी पोस्टिंग किया तो पास हो जाएगा, पर स्कोर करना है तो ध्यान दो। तो 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो तुम्हारे सर ने अच्छा सा लेक्चर अपलोड कर दिया, टेंशन नहीं लेना। पहला 15 मार्क का बैंक का सम आएगा, बैंक की बैलेंस शीट आएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आता ही है, या फिर कभी कभी कंबाइन आएगा, मतलब दोनों में से एक सीखना, मतलब बैंक का चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। फिर दूसरा ऑप्शन में LLP आएगा, ठीक है, तो LLP भी स्किप कर सकते हैं, पर फायर इंश्योरेंस वाला रेवेन्यू अकाउंट है ना, प्रीमियम का कैलकुलेशन, क्लेम का सब कैलकुलेशन, रिक्स वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो LLP इस बड़ा टॉपिक है, स्किप कर सकते हैं, राइट। और जो लास्ट टॉपिक आएगा तुमको ना, वैल्यूएशन शेयर और वैल्यूएशन गुडविल आएगा, थोड़ा पैराग्राफ वाला सम आएगा, थोड़ा घुमा फिर आएगा, पर ईजी है, ओके। तो सबके ऊपर मैंने अच्छा खासा वीडियो सॉल्व कर दिया। वैल्यूएशन शेयर में इंटरेस्टिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू पे आएगा, या फिर उस पर सुपर प्रॉफिट का सम आता, दो में से एक करना रहता है, ठीक है। अच्छी बात है कि मैंने पूरा चीज़ का अच्छा खासा बोर्ड पेपर सॉल्व कर दिया, तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया, तुम्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स है तो ये लो, 15 मार्क का शॉर्ट नोट, इतना ही कर लो, घुमा फिरा के तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। LLP के बाद शॉर्ट नोट्स आएगा, उसको छोड़ना नहीं है, और इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी पूरा अपलोड कर दिया है, अगर ये सबका सॉल्यूशन चाहिए तो, ताकि जिसको कुछ नहीं आता एग्जाम के पहले पढ़ना है, तो ये नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, तो 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, सब एक साथ सेंड कर दूंगा, चैप्टर वाइज तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना मुझे लगता है कि अच्छे से पढ़ लो, KT मत लेना। थैंक यू वेरी मच, एंड दुआ में याद रखो।